दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत की ओर से हरेक गेंदबाज ने बड़ा ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन गेंदबाज ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। भारतीय टीम के युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जिन्होंने अपनी दमदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नेस्तनाबूद कर दिया और एक बड़ा ही अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको मोहम्मद सिराज की जबरदस्त गेंदबाजी और उनके अनोखे रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा में से कौन बेहतरीन गेंदबाज है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड की टीम को उनके घुटनों पर ला दिया। दोस्तों बता दें चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत से भारतीय टीम के गेंदबाजों का पलड़ा पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहा था। पहले तो भारतीय टीम को शुरुआत मिलने से कुछ खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और शुरुआत के एक घंटे में ही भारतीय टीम के दो बड़ी जबरदस्त सफलता मिल चुकी थी। बता रहे हैं दोनों सफलता भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने दिलाई थी। इन दोनों विकेट के बाद तो ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय टीम जल्द से जल्द इंग्लैंड की टीम को सस्ते में निपटा देगी और भारतीय टीम को एक बड़ी शानदार बढ़त मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की उम्मीद ही बनती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड के दो जबरदस्त बल्लेबाज जोनी बेयरस्टो और ओली पॉप बड़ी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम एक बार फिर इस मुकाबले में पिछड़ जाएगी। भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन तभी युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में ठीक सा करिश्मा करके दिखा के जिसको देखकर तो मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों के होश उड़ गए। दोस्तों बता दें भारतीय टीम को संकट में देखकर मोहम्मद सिराज जबकि गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने एक के बाद एक घातक गेंद इंग्लैंड के बल्लेबाजों को डालना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा आक्रामक रूप से गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंदबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। दोस्तों तभी उन्होंने एक ऐसी आग उगलती हुई गेंद डाली जिसको देखकर तो इंग्लैंड के बल्लेबाज जोनी बेयरस्टो के होश उड़ गए और वो काफी बुरी तरह से LBW आउट हो गए। और इसी के साथ भारतीय टीम के लिए कठिनाइयां पैदा करने वाले बल्लेबाज जोनी बेयरस्टो का विकेट मोहम्मद सिराज ने अपने नाम किया और उन्हें 37 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों इसी विकेट के साथ मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक बड़ी शानदार वापसी कराई और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा ही नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों बता दे मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के लिए कैसे पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 10 मुकाबले से भी कम खेलकर 25 से अधिक विकेट ले लिए हों। ये नायाब रिकॉर्ड अपने नाम करके मोहम्मद सिराज ने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वो कितने काबिल गेंदबाज है। दोस्तों आप सभी मोहम्मद सिराज के शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।